कि फेसबुक का अकाउंट कैसे बनता है, उसके बाद उसकी प्रोफाइल बनाना, और प्रोफाइल बनने के बाद फेसबुक का पेज, और आखिर में फेसबुक के ऊपर पोस्ट करना। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है आपके लिए वक्रांगी की तरफ से। पहले हम जानेंगे कि फेसबुक का अकाउंट कैसे खोला जाता है। देखिए, मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्राउजर ले सकते हो। आप जाएंगे facebook.com पर, और फिर वहां पे आपको ऑप्शन आएगा लॉगिन का, उसके ठीक नीचे होगा क्रिएट न्यू अकाउंट, उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन आएगा साइन अप के लिए। आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, नाम, ईमेल, सारी डिटेल्स। ईमेल के लिए याद रखिए, आप vakrangikonnect.com का ईमेल ही इस्तेमाल करेंगे, और नंबर जहां पर पूछा जाएगा, आप वक्रांगी में जो रजिस्टर किया गया नंबर है, आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। बाकी डिटेल्स तो आपकी खुद की रहेगी, और आप फिर आगे बढ़कर साइन अप करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, इस तरह से दिखेगा आपका अकाउंट। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका नाम होगा। अब वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको प्रोफाइल का ऑप्शन खुल जाएगा कुछ इस तरह। तो यहाँ पे देखिए, नाम के साथ ही प्रोफाइल खुल चुका है। तो योर प्रोफाइल, गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। आगे जैसे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा ऐड। यह एक्चुअली ऑप्शन है फोटोज ऐड करने के लिए। एक तो प्रोफाइल फोटो होता है और एक कवर फोटो। तो आइए देखते हैं। तो जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपको फोटो ऐड करने का ऑप्शन आएगा। वक्रांगी के हेड ऑफिस से आपको एक बैज मिल चुका है आपकी मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए। आपको उसी का इस्तेमाल करना है प्रोफाइल पिक्चर के लिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे यूज करेंगे। जो ये देख सकते हो आप, ये कुछ सजेस्टेड फोटोज है। ये रहा बैज जो कस्टमाइज होता है आपके नाम के साथ। और फिर कवर फोटो ऐड करने के लिए आप ऐसे क्लिक करेंगे, और कवर फोटो भी आपको हमारे ओर से मिल जाएगा। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स। ये कवर फोटो इंग्लिश में, और ये कवर फोटो है हिंदी में। यहाँ पे देखिए, ये बैज है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, आपको उसी का इस्तेमाल करना है। ये होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और क्लिक करेंगे एडिट डिटेल्स पर, और बाकी डिटेल्स आप ऐड करेंगे, जिसमें से एक रहेगा आपका करंट सिटी, और उसके अंदर आप सिलेक्ट करेंगे किस जगह पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम, सिटी का नाम, टाउन का नाम, ठीक है, या आपका जो नियरेस्ट लोकेशन है, जो लोकैलिटी है, आप उसको वो डालना है आपको, ताकि मैप के ऊपर आप देख सको, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कि आपका जो एक्चुअल लोकैलिटी है वो नहीं आता वहां पे सजेशन में। इस सिचुएशन में आप लैंडमार्क का इस्तेमाल करें, आपका लैंडमार्क यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में आपको बाकी डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट करनी है, और ये पूरी तरह से होने के बाद आप सबमिट कर देंगे, और आपका प्रोफाइल पूरा हो जाएगा। प्रोफाइल पूरा होते ही आप तैयार हो जाएंगे अपना फेसबुक का पेज बनाने के लिए। तो आइए बनाते हैं फेसबुक पेज। तो पहले आप अपने प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे, आपका नाम दिख रहा है टॉप में। यहाँ पे नीचे की ओर देखिए, आपको पेजेस करके दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक ऐसा नया स्क्रीन ओपन होगा, जहां पे ऑप्शन होगा क्रिएट न्यू पेज, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको ऐसा एक और ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पेज का नाम डालना है, ठीक है, नीचे आपको कैटेगरी का सिलेक्शन करना है, और एक छोटा सा बायो भी देना है पेज के बारे में। बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस आपको वक्रांगी की ओर से मिल जाएगी। कुछ कुछ चीजें आपको खुद डालनी है, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके ऑफिस का एड्रेस, गूगल मैप का लिस्टिंग, राइट। तो ये सारी चीजें आपको खुद डालनी होगी, और फिर क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर का इस्तेमाल करना है, रजिस्टर्ड ईमेल, और जहां पर भी वेबसाइट पूछा जाए, लिंक पूछा जाए,
तो वहां पर apply.vakrangikendra.in का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लोकेशन में आपका एड्रेस और जहां पर गूगल मैप का लिंक भी आप डाल सकते हो। आगे बढ़ने के बाद में आप जहां पे ये फिनिश होता है आपका पेज, ओके, वहां पे और पूछा जाएगा वर्किंग आवर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको सही सिलेक्शन करना है। देखिए, वर्किंग आवर काफी जरूरी है। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे, आपके ऊपर है आप कितने दिनों में वर्किंग रखना चाहते हैं, कौन कौन से दिनों पर। आप आवर्स भी डिफाइन कर सकते हो, सुबह 9 से रात के 9 या 6 बजे तक, जैसे आपका ऑफिस चलता हो, ताकि आपको नॉन वर्किंग आवर्स में कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो ये आवर्स अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप एक बार और चेक कर सकते हो कि आपने प्रोफाइल फोटो ऐड किया था, कवर फोटो जो ऐड किया है ये हमने शुरू में ही देख लिया था। अगर नहीं किया था तो अभी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके ठीक नीचे आपको एक बटन का ऑप्शन आएगा, ऐड एक्शन बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके, और आगे बढ़ेंगे। जैसे आप एक्शन बटन पे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे एक्शंस आएंगे। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कॉल नाउ, ठीक है। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप ये कर देंगे, आपको आगे इस तरह से कस्टमाइज योर पेज का ऑप्शन आएगा, ओके। वो नंबर तो ऐड हो गया जब भी कोई कॉलिंग कर रहा है, ओके, दिख रहा है आपको एडिट एक्शन बटन। जब भी कोई फ्यूचर में आपके पेज पर पहुंचता है, वहां पे उनको एक बटन दिखेगा जहां से वो आपको कॉल कर पाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पर। अब आपका जो व्हाट्सएप का नंबर है या आपका जो व्हाट्सएप है, उसे इस पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको वही नंबर का इस्तेमाल करना है जो आप व्हाट्सएप के लिए यूज करते हो और जो वक्रांगी के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो नंबर डालिए और गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगा आपके उसी मोबाइल नंबर पर, उस कोड को एंटर करने के बाद ये नंबर लिंक हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो आपने अपना जो व्हाट्सएप के लिए जो नंबर लिया होगा पहले, आगे बढ़ के भी वही नंबर आपको एंटर करना है। नंबर बार बार चेंज ना करें, सेम नंबर हमको यूज करना है। वक्रांगी कनेक्ट का ईमेल इस्तेमाल होगा और वक्रांगी की ईमेल आईडी के साथ साथ apply.vakrangikendra.in ये लिंक का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, लोकेशन चेक कर लीजिए बराबर से सिलेक्टेड है नहीं है, वर्किंग आवर्स चेक कर लीजिए, और आपका जो सर्विसेज है क्या आपने यहाँ पे डाला है नहीं डाला वो चेक कर लेना, क्योंकि बहुत शुरुआत में ही सर्विस पूछा जाता है। तो सर्विस एक बार देख लीजिए, हमारे तरफ से आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वही डालिए। ये सब होने के बाद आपका फेसबुक का पेज क्रिएट हो जाता है। अब फेसबुक पेज बनने के बाद नेक्स्ट आएगा पोस्ट बनाना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो व्हाट्स ऑन योर माइंड, यहाँ पे आप क्लिक करके टाइप कर सकते हो, लाइव वीडियो डाल सकते हो, फोटो वीडियो से शुरू कर सकते हो या रील के इस्तेमाल से भी ये कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस के लिए है, हमने आपके लिए एक स्टैंडर्ड पोस्ट बनाने के लिए मटेरियल आपको भेजा है ईमेल पर। तो आप अपने पोस्ट किस तरह से बनाएंगे, ये रहे कुछ एग्जाम्पल। जैसे इनॉग्रेशन हुआ होगा, बहुत सारे फोटोज होंगे इनॉग्रेशन के, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसके इस्तेमाल करके आप अपना इनॉग्रेशन, मास्टर फ्रेंचाइजी के ऑफिस इनॉग्रेशन का एक पोस्ट बना सकते हो। अलग अलग सर्विसेज का पोस्ट बनेगा, तो हमारे ओर से आपको ऐसा एक आर्टवर्क मिलेगा जिसमें ये पोस्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड फोटोज होंगे, डिस्क्रिप्शन रहेगा, लिंक्स रहेंगे, कैप्शंस होंगे, आपको वही कॉपी पेस्ट करके अपना पोस्ट बनाना है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।